शर्मा एंड वेलकम टू सद्भावना फ्यूचर ग्रुप के फ्यूचर रिटेल के जरिए रिटेल बिजनेस का एक पूरा साम्राज्य खड़ा किया आज तैतीस साल बाद उनका यह साम्राज्य रिलायंस रिटेल के हाथों में जा रहा है बियानी जो साठ वर्ष की उम्र में प्रवेश कर रहे हैं उन्हें यहां से एक नई शुरुआत करनी होगी फ्यूचर ग्रुप का खुदरा व थोक कारोबार और लॉजिस्टिक वेयर हाउसिंग बिजनेस रिलायंस रिटेल लिमिटेड का होने वाला है इस सौदे का आधिकारिक तौर पर ऐलान हो चुका है और ये एक मुश्त करोड़ रुपए का रहने वाला है सौदे के तहत फ्यूचर लाइफस्टाइल स्टाइल का अधिग्रहण भी किया जाएगा इस सौदे के बाद फ्यूचर ग्रुप के बिग बाजार एफबीबी इजी डे जैसे स्टोर रिलायंस रिटेल के हो जाएंगे किशोर बियानी का जन्म 1961 में मुंबई के एक कपड़ा व्यापारी के घर हुआ उन्होंने अपना सफर 1980 के दशक में मुंबई में स्टोन वॉश डेनिम फैब्रिक को बेचने से शुरू किया था उन्होंने उन्नीस में एरसवाइल मेन्स वेयर नाम से रिटेल बिजनेस शुरू किया कुछ ही वक्त बाद इसका नाम बदलकर पेंटालून कर दिया गया बियानी ने छब्बीस साल की उम्र में कोलकाता में पहला पेंटालून स्टोर खोला था उन्नीस में पेंटालून स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुआ ताकि विस्तार स्टोर बेहतर बनाने और मार्केटिंग के लिए पैसा जुटाया जा सके इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा क्योंकि उन्होंने रिटेल का एक पूरा इकोसिस्टम बना दिया था साथ ही उन्होंने कई एंटरप्रेन्योर्स व ब्रांड्स को मेंटोर भी किया 2001 में फ्यूचर ग्रुप ने भारत में पहला बिग बाजार स्टोर खोला ये इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ की छह साल के अंदर पूरे भारत में इसके लगभग सौ स्टोर हो गए 2007 में बयानी के फ्यूचर ग्रुप ने इंश्योरेंस सेक्टर में भी कदम रखा और फ्यूचर जनरल इंश्योरेंस लॉन्च किया उसी साल फ्यूचर कैपिटल भी अस्तित्व में आई जो वित्तीय उत्पाद वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज इक्विटी ब्रोकिंग सोलूशन और रियल एस्टेट ब्रोकिंग की पेशकश करती है फ्यूचर ग्रुप ने रियल एस्टेट में भी एंट्री की जैसे जैसे वक्त बीता रिटेल मार्केट में अन्य कॉम्पिटिटर उतरने लगे उनमें से एक रिलायंस रिटेल भी थी साथ ही ई कॉमर्स ने भी एंट्री की जिसे शुरुआत में बियानी ने चैलेंजर ही नहीं माना 2008 की आर्थिक मंदी के बाद कंपनी के कारोबार पर काफी बुरा असर हुआ धीरे धीरे कर्ज का बोझ बढ़ता गया अपने रिटेल एम्पायर से कर्ज का बोझ कम करने के लिए कई बार बियानी को एसेट्स को डाइवेस्ट करने के लिए मजबूर होना पड़ा साल 2012 में उन्होंने पेंटालून्स ट्रेन में अपनी अधिकांश हिस्सेदारी आदित्य बिरला नूवो को बेची ये सौदा सोलह सौ करोड़ रुपए का रहा जिसमें आठ सौ करोड़ रुपए का डेट ट्रांसफर शामिल रहा 2012 में ही फिर से पैसा जुटाने के लिए बियानी ने फ्यूचर कैपिटल होल्डिंग्स में भी अधिकांश हिस्सेदारी अमेरिका की प्राइवेट इक्विटी वाहब पिनकस को बेच दी साथ ही अमेरिका की स्टेबल के साथ शुरू किए गए एक स्टेशनरी ज्वाइंट वेंचर में से पूरी हिस्सेदारी पार्टनर फॉर्म को बेच बाहर निकल गए उस वक्त उनका ग्रुप लगभग पांच हजार करोड़ रुपए के कर्ज के बोझ तले दबा हुआ था इसी तरह 2013 में फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन लिमिटेड ने एथनिक वेयर फर्म बीबा अपेरल्स और डिजाइनर अनीता डोंगरे के स्वामित्व वाली ए में 450 करोड़ रुपए में माइनॉरिटी हिस्सेदारी बेची अगस्त 2019 में किशोर बियानी ने फ्यूचर कूपन में उनपचास फीसदी हिस्सेदारी अमेजन डॉट कॉम एनवी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग एल को बेची फ्यूचर रिटेल में फ्यूचर कूपन्स की हिस्सेदारी सात दशमलव तीन फीसदी है इस साल से बड़ा वित्तीय संकट बियानी का फ्यूचर ग्रुप इस साल की शुरुआत में तब वित्तीय संकट में आया जब उनकी लिस्टेड एंटिटी फ्यूचर रिटेल डेट रिपेमेंट में असफल हो गयी और कर्जदाताओं ने शेयरों को गिरवी रखने की बात कही 2019 में 13,016 करोड़ रुपए के साथ फोर्ब्स के लिस्ट में अस्सीवी सबसे अमीर भारतीय बनने वाले किशोर बियानी के लिए ये बहुत बड़ा झटका था इस वाक्य के बाद स्टैंडर्ड एंड पुअर्स व फिश समेत कई रेटिंग एजेंसियों ने फ्यूचर रिटेल की क्रेडिट रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया कुछ रिपोर्ट की माने तो फ्यूचर ग्रुप इस वक्त तेरह हजार करोड़ रुपए के कर्ज में डूबा है और प्रमोटर ग्रुप के अधिकतर शेयर हैं रिलायंस रिटेल के सौदे के के बाद क्या रिलायंस रिटेल साथ हुए सौदे के बाद फ्यूचर एंटरप्राइजेस लिमिटेड एफ सामान की मैन्युफैक्चरिंग व डिस्ट्रीब्यूशन और इंटीग्रेटेड फैशन सोर्सिंग व मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को बरकरार रखेगी साथ ही जनरली के साथ अपने इंश्योरेंस ज्वाइंट वेंचर और एन मिल्स के साथ ज्वाइंट वेंचर को भी बरकरार रखेगी पावर्ड अ डेडिकेटेड सेंटर फॉर आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरी